What's up people, welcome to my YouTube channel Assassin Saipo. So basically if you are new to my YouTube channel, make sure you subscribe and turn on the bell notification to get latest updates regarding some hacking and hacking tools. Okay. So basically before we start the video, let me know if you have any questions regarding any topic or issue. So you can comment down and I will make sure that I clear the doubt or make a video about that. Okay, so आज का जो टूल है उसका नाम है लेजी स्क्रिप्ट. तो बेसिकली लेजी स्क्रिप्ट एक ऐसा टूल है जिसके अंदर बहुत से टूल है जो आपको अपने सिस्टम के बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं और साथ ही साथ उसमें कुछ ऐसे टूल्स हैं जो कि एक्सप्लॉइट के लिए भी यूज होते हैं. ओके, सो लेट्स एग्जीक्यूट इट. So here is the lazy script. So we have to execute this. Okay, so let's enter to the directory. अगर आप इसको पहले से अगर डाउन करोगे तो पहले आपको setup.sh यानी कि इसको execute करना पड़ेगा through bash setup.sh करके, sorry sh. तो ऑलरेडी मैंने सेटअप इसका कंप्लीट कर लिया है. तो बेसिकली सेटअप में करेगा क्या, जो रिक्वायरमेंट्स होगा वो उसको इंस्टॉल करेगा. ओके, तो इसको मैं डायरेक्टली पाइथन 2 से एग्जीक्यूट करता हूँ. तो यहाँ पे दिखा रहा है स्टार्टिंग टर्म एक्स लेजी मक्स. तो यहाँ पे एटलीस्ट 26 टूल्स है जो आपको हेल्प करेगा इन्फॉर्मेशन गैदर करने में प्लस एक्सप्लॉइट करने में. तो पहला IFConfig. तो IFConfig आपके सिस्टम का इन्फॉर्मेशन दिखाएगा जो कि इंटरनेट से रिलेटेड होगा, जैसे कि हो गया मैक एड्रेस, आईपी एड्रेस एंड ऑल. एंड मेमोरी इन्फो या आपका रैम चेक करके दिखाएगा कि कितना मेमोरी यूज़ हो रहा है, कितने मेमोरी हैं उसमें. ओके, CPU इन्फो, CPU का इन्फॉर्मेशन बताएगा आपके CPU का. ओके, पब्लिक आईपी, आपके पब्लिक आईपी जो यूज़ कर रहे होगे वो कौन सा आर्किटेक्चर है आपके सीपीयू का, यानी आपके पीसी का कौन सा आर्किटेक्चर है उसके बारे में बताएगा. प्रोसेस किधर, कोई रनिंग प्रोसेस होगा तो उसको क्लिक करने के लिए यूज़ होगा जहाँ तक. नेट स्टेट, तो आई थिंक ये एक्सप्लॉइट के लिए यूज़ होगा नेटवर्क के लिए. हार्ड ब्लेड स्कैनर, तो एक्सप्लॉइट के लिए. और स्कैन MS-17 10 विन, एक बार इसको ट्राई करके देखते हैं आखिर ये है क्या. सो स्कैन विंडोज 45 पोर्ट वल्नरेबिलिटी. ओके, तो बेसिकली ये करेगा क्या, जो आपका विंडोज़ होगा ना उसका कोई भी विंडोज पीसी हो गया तो उसका आईपी एड्रेस आप इसमें डाल के चेक कर सकते हो कि वो पोर्ट वल्नरेबल है कि नहीं. ओके, देन हियर वी गॉट वल्नरेबल टू डॉस. ओके, तो वल्नरेबल टू डॉस जो है पहले ये चेक करें कि वेबसाइट वल्नरेबल है तो उस पर डॉस अटैक हो सकते हैं कि नहीं. ओके, ये वो चेक करेगा. और इधर एक मिस हो गया था, FTP डी बैकडोर. तो ये डेटाबेस के लिए यूज़ होता है, जो FTP यानी फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल है, तो ये डेटाबेस के लिए है क्योंकि इधर बैकडोर है. ओके, देन कैलेंडर आप चेक कर सकते हो, कैलेंडर जस्ट लाइक दिस. तो ये अगस्त 2020 बता रहा है क्योंकि ये कैलिफोर्निया USA का, यूनाइटेड स्टेट्स का है. ओके, तो वैसे इंडिया में भी अभी आज 29 ही है. सो बेसिकली आई थिंक मैंने इसे इंडिया में स्विच कर दिया है. हाँ, और यहाँ पे अपने पास है स्टोरेज इन्फॉर्मेशन, तो ये आपको स्टोरेज के बारे में बताएगा. बिल्ड प्रॉपर्टीज, ठीक है, जो आपको पीसी उसका बिल्ड प्रॉपर्टीज बताएगा. यूज़र आईडी, लिनक्स वर्जन, ये बहुत ही अच्छी चीज़ है. मान लो आप कोई भी सिस्टम पे एक्सेस कर लिए, ठीक है, एक्सेस करने के बाद अगर आप ये टूल डाउनलोड करके उसका यूज़र आईडी जानना चाहते हो तो बहुत ही बेस्ट टूल है ये. ओके, देन लिनक्स वर्जन, वॉइस लुकअप, तो ये भी बहुत ही अच्छा टूल है.
जो कि मैं रेड हॉक में बहुत ज़्यादा यूज़ करता हूँ इसको, और भी बहुत सारे जैसे एन एस लुकअप है, ट्रेस रूट है, टर्मिक्स पेक, हॉटमेल ब्रूट फोर्स है। हॉटमेल को मेरे ख्याल से हैक करने के लिए यूज़ होता है, क्योंकि फेसबुक ब्रूट फोर्स नाम का एक टूल है जो कि फेसबुक हैक करने के लिए यूज़ होता है। ओके, देन इधर है याहू ब्रूट फोर्स, देन पोर्ट स्कैनर, SMS एंड SMS, SSL स्कैन, अपडेट, एग्जिट, अबाउट, और इधर है पाइथन ऑब्फस्केट। ओके, तो ये कुछ नॉर्मल सा इसका इंट्रोडक्शन था। तो बेसिकली अभी मेरे को इसका करेक्ट यूसेज देखना पड़ेगा कि इसको कैसे यूज़ कर सकते, क्योंकि हॉटमेल मेरे पास कोई भी ऐसा ईमेल नहीं है जो कि हॉटमेल से रिलेटेड हो या फिर याहू से रिलेटेड हो, तो अभी ये तो चेक नहीं कर पा सकते अभी अपन। ओके, तो मेनली मेरे को एक बार हो सकता है इसको अपडेट भी करना पड़े, क्योंकि हो सकता है स्क्रिप्ट में कुछ चेंजेस आए हुए होंगे, तो ये देखना पड़ेगा। सो बेसिकली दिस इज़ द ओवरव्यू एंड रिव्यू ऑफ दिस टूल। तो ये टूल बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल भी है, एंड रिव्यू इसका मतलब ओके ही है, क्योंकि इसमें कुछ कुछ ऐसे थे जो वर्क नहीं कर रहे थे, जैसे कि मैंने वॉइस लुकअप देखा था तो वो वर्क नहीं किया। हो सकता है कुछ नया अपडेट आया होगा इस पर, तो हो सकता है स्क्रिप्ट में चेंजेस हो। ओके, तो बेसिकली मैं इसको अपने रिपोजिटरी में अपडेट कर दूंगा और उसका लिंक मैं नीचे दे दूंगा गिटहब से, तो आप उसको वहाँ से जाके डाउनलोड कर सकते हो। ओके, सो लेट्स एंड द वीडियो ओवर हियर।